नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए आज से पूरे राज्य में सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। दुकानें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मॉल, पार्क, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश पर बांका व्यवहार न्यायालय के जिला सत्र न्यायाधीश रामबाबू त्रिपाठी ने न्यायालय को एक दिन फिजिकल और एक दिन वर्चुअल खुले रखने का आदेश जारी किया है। इसके पहले उन्होंने यहां के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय मशवरा भी किया। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं को अटपटा लगा, लेकिन जान है तो जहान है। बिहार सरकार ने राज्य के 38 जिले में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहीं आम जनता के लिए 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जबकि व्यापारियों के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अपना व्यापार करने की छूट दी गई है। वहीं हाई कोर्ट के निर्देशानुसार बांका व्यवहार न्यायालय भी आज से एक दिन वर्चुअल और एक दिन फिजिकल बहस की इजाज़त दी है। यहाँ बार एसोसिएशन के सचिव प्रमोद कुमार मंडल एवं अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के द्वारा जब पूछा गया तो वो बोले कि वर्चुअल और फिजिकल से तो मुवक्किल की को परेशानी होगी, लेकिन जब ये राज्य सरकार और हाई कोर्ट का आदेश है तो हम लोगों को मानना है। परेशानियाँ तो होती रहती है, इसे हम लोग को झेलना है। पहले जिंदगी है, उसके बाद कोर्ट और न्यायालय। महासचिव होने के नाते जिला विधिक संघ से और मेरा न्यायालय परिसर से ये बहुत ही परेशानी का कारण हो गया है वर्चुअल कोर्ट, कि जो मोकिल अपना खुले इजलास में अपना कारोबार देख पाते थे, अपना जो इंसाफ सुन पाते थे, वो उनको जाने से रोक दिया गया है, बाधित कर दिया गया है। और उनको जो है जो परेशानी की वकील को भी हो रहा है कि जो खुले इजलास में इंसाफ के लिए लड़ते थे, उस तरह का ये वर्चुअल कोर्ट में हो नहीं पाता है, जिस वजह से परेशानी ही परेशानी है। जहाँ तक मोकिल का सवाल है, वो तो गरीब गुरुवा जो बहुत दूर दराज से आते हैं, उनको पूरी तरह इंसाफ इस वर्चुअल कोर्ट के जरिए संभव नहीं है। इस वजह से हम कहना चाहेंगे कि फिजिकल ही सबसे बेटर उपाय है। और चूँकि लोअर कोर्ट जो है, जो निचली अदालत है, वहाँ पर सीधा मोकिल से संबंध है हम लोगों का, और वो सीधा मोकिल जो है अपना जो इंसाफ है वो स्वतः खड़े होकर देखते हैं, जो कि अभी भी संभव नहीं हो पा रहा। ये मेरा विचार है कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसे तो उनको जो है दिया गया है कि एक अगले माह तक जो है इसको अभी तक एक्सटेंड किया है, बाद में क्या करेंगे हाईकोर्ट की मर्जी है, परंतु हम लोग का आग्रह है कि इसको अब समाप्त कर दिया जाए।